अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मेरे भाई? तो आज मेरे साथ हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी है। अच्छा, बताइए सर। और मैं क्या कहते हैं, लखनऊ का रहने वाला हूँ, और वहाँ से यहाँ अब्दुल्ला भाई के पास दवा लेने के लिए आया हूँ। और तेज बोलो थोड़ा सा, बताइए कहाँ कहाँ की दवाई खा चुकी है, सब सब पता था। तो अब्दुल्ला भाई क्या कहते हैं, यूट्यूब पर मैंने वीडियो देखा था, तो वहाँ से पता चला मुझे कि जो है भाई जो है दवा देते हैं, इनका दवा खाना है यहाँ पे कुंदरकी में। तो मैंने वहाँ अपने लखनऊ में जो है दवा हवा ली थी, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 3-4 जगह दवा खाया, लेकिन सारा पैसा फिजूल चला गया। फिर मैंने सोचा कुछ नहीं होने वाला, तो मैं ऐसे ही अपना जी रहा था, अपनी नौकरी कर रहा था। फिर मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखा, तो ऐसे ही कुछ ना कुछ सर्च करता रहता है आदमी दिमाग में, जब रहता है कुछ ना कुछ तो यही सब सर्च करता था, कैसे क्या खाऊँ, क्या ना करूँ, क्या कैसे करूँ। तो फिर एक बार ऐसे ही वीडियो आ गया इनका, अब्दुल्ला भाई का, तो उसको देखा मैंने, तो 2-3 वीडियो देखा, तो मेरे अंदर कुछ हिम्मत आ गई। तो मैंने सोचा फिर किसी दिन जाऊंगा, लेकिन हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी सफ़र नहीं किया इतना लंबा। मैं लखनऊ से यहाँ आया हूँ बस से, और वही मान के चलिए 10 घंटे करीब लगे मुझे, 10.5 घंटे यहाँ तक आने में। तो फिर मैं इनसे मिला, तो इनसे मिल करके मुझे बहुत मतलब मोटिवेशन मिला, और मैंने फिर इनसे दवा हुआ ली है, और यहाँ से दवा ले जा करके मैं जैसे इन्होंने बताया खाने के लिए, बहुत इजी है खाने के लिए बताया, वैसे इंशाल्लाह खाऊंगा, और मुझे यकीन है पूरा कि मैं अच्छा हो जाऊंगा और ठीक हो जाऊंगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह अगली बार जब अगले महीने दवा लेने आऊंगा, तो उसका रिज़ल्ट भी आपको बताऊंगा कि मैंने जो खाया तो उससे क्या रिज़ल्ट मिला, मेरे अंदर क्या बदलाव आया, क्या बदलाव नहीं आया, मेरी शक्ल में क्या चेंज आया, मेरे ताकत में क्या चेंज आया। ऐसे मैं अभी से बोलूँगा तो आपको कहोगे ये तो ऐसे बोल रहा है, लेकिन मुझे यकीन है इंशाल्लाह मैं बिल्कुल अच्छा हो जाऊंगा। और मेरी जो है अभी शादी भी है, दिसंबर में है, तो उसके लिए रब्ता रहेगा अब्दुल्ला भाई से। बाकी इंशाल्लाह ये बिल्कुल लोहा हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे सब चीज़ से। आमीन, मैं वादा करता हूँ इंशाल्लाह, चाहे कुछ भी करना पड़े बिल्कुल फिट है इंशाल्लाह और फिट हो जाएंगे। बात करता हूँ, समझदार और अच्छे अकलमंद आदमी है, मुझे भी इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ऐसे इंसानों का होना ज़रूरी है, समझदारों का, बेवकूफ़ हैं कुछ लोग। दिमाग से पूरी दुनिया पर राज किया जा सकता है, ताकत से नहीं। दिमाग को बड़ा करो, दानिशमंदी अकलमंदी अपनाओ, बस बात ख़त्म। बाकी दुआ करना इंशाल्लाह अल्लाह के करम से ये ठीक हो जाए और कोई दिक्कत ना आए कभी भी किसी को, सब लोग अल्लाह ताला ठीक रहें, इस देश का हर नागरिक हर इंसान फिट और तंदुरुस्त और चुस्त फुर्त होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ होगा तभी तो कुछ कर पाएगा, करने से होगा, सोचने से नहीं होगा। मैंने भी बहुत दिन सोचा, मैं कम से कम महीना भर पहले मैंने वीडियो देखा था, और मैं सोचता रहा मैं नहीं आ पाया। बस ऐसे ही मैंने सोचा कि मुझे कल जाना ही है, बस मैं सुबह उठा, बस अड्डे पहुंचा, कहीं नहीं, सीधा बस पे पूछा कंडक्टर से कौन सी बस जाएगी मुरादाबाद, मैं उसमें बस बैठ लिया। मुझे नहीं पता था कहाँ जाना है, क्या करना है, मैं कभी नहीं आया, मैंने कभी सफ़र ही नहीं किया है लखनऊ के अलावा। मैं लखनऊ को सारा चप्पा चप्पा जानता हूँ, लेकिन लखनऊ के अलावा मैं कहीं नहीं गया। सिर्फ एक बार अजमेर गया था, वो भी अपने बाप के साथ। एक बार दिल्ली गया था, वो भी अपने बाप के साथ, वो भी मैं बहुत इतना अकलमंद नहीं था उतना कि मैं कहीं जा सकूँ, और मुझे डर भी लगता था, क्योंकि जब आदमी कमज़ोर होता है तो हर चीज़ से डरता भी है। तो कभी निकला नहीं, कभी गया नहीं, अल्लाह का नाम लिया, अब्दुल्ला भाई भरोसा था, चला आया, और आज इनके सामने बैठा हूँ। कितनी भीड़, डरो नहीं, सोचो नहीं, करोगे तो होगा। एक ने मुझसे कहा था करने से होता है, बहुत अच्छे इंसान है वो भी, और अच्छी पोस्ट पे अल्लाह उनको कामयाब करे, हो उनके ये अल्फाज हैं कि मतलब करने से होता है। तो मुझे उस वक्त लगा कि अजीब बात करते हैं करने से होता है, लेकिन वाकई में करने से होता है, सोचने से कुछ नहीं, सोचो और कर डालो हो जाएगा बिल्कुल। अपना बैठे रहोगे, जैसे मैं एक महीना बैठा, एक महीना पहले आता तो हो सकता मैं इस वक्त ये बता रहा होता कि मुझे कितना फ़ायदा हुआ। शुरुआत करो, ये हो जाती, जब शुरू करोगे तो ख़त्म होगा। अब सोचो कि कैसे होगा तो नहीं होगा, तो अल्लाह का नाम लो, ऊपर जो जिसको भी मानते हो उसका नाम लो, आओ इंशाल्लाह दवा लो, ठीक हो जाओगे, मुझे तो यकीन है पूरा, इंशाल्लाह मैं अच्छा हो जाऊँगा। आमीन इंशाल्लाह। बाकी मेरे एड्रेस है कुंदरकी, ज़िला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, कुंदरकी में पेट्रोल पम्प के पास, और मोबाइल नंबर है 74-172-172-76, 95-485-95-181। इन दो नंबरों से अलावा किसी पे कॉल, इन पे तुम कॉल करोगे ऑर्डर बुक करा दो, काम ख़त्म। बाकी नंबर कमेंट में मत डालो अपने, नहीं तो तुम्हें कोई और फ़ोन करेगा, नंबर तुम्हारा आ जाएगा ना उस पर, तो तुम्हें पैसे डलवाएगा वो और फिर दवाई नहीं भेजेगा। मेरे नंबरों पर कॉल करो, वो जहाँ बोले पैसे डाल दो,
एड्रेस डाल दो बस पहुंच जाएगी दवाई आप तक। बाकी हर आदमी यहाँ से ठीक हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है, फिट हो रहा है, ये भी फिट हो जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी यहाँ आने में कोई दिक्कत ना होती है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। एक बार मुरादाबाद मतलब चाहे रेलवे स्टेशन पर उतरो और चाहे मुरादाबाद बस अड्डे पर उतरो, कुछ नहीं है, बस अड्डे से 10 मिनट का रास्ता है स्टेशन का। स्टेशन पर उतरे तो बस अड्डे पर आ जाओ, बस अड्डे से सीधा डायरेक्ट मिल जाएगी रोडवेज की बस, 24 रुपये में। यहाँ 20 किलोमीटर है बस अड्डे से, 24 रुपये में 20 किलोमीटर है, यहीं उतरोगे सीधा पेट्रोल पम्प पर। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल आसान है। और दूसरी चीज़, यहाँ इतनी भीड़ है, अब भी बहुत लोग खड़े हैं दवाई लेने के लिए। ये बहुत मैं आभारी हूँ इनका कि इन्होंने तुम्हारे लिए वीडियो बनाई है भाई। मैं कहता हूँ मेरे, मैं जैसे हूँ परेशान हूँ, आप भी परेशान होंगे, मैं ठीक हो जाऊँगा इंशाल्लाह, आप भी ठीक हो जाओ। ये करीब 10 घंटे या 5 घंटे मैं रात में 9 बजे आया था, बाकी होटल में रुका, उसके बाद सुबह फिर यहाँ आया। तो 5 बज रहे हैं इस टाइम, 5 मैंने खाना ना खाया और अब भी बहुत सारे मरीज हैं, बहुत भीड़ है यहाँ, बहुत ज़्यादा। क्यों भीड़ है? क्योंकि यहाँ ठीक हो रहे हैं बंदे। कैसे ठीक हुआ भाई तुम्हारे यहाँ, तेज बोल दो बस, कैसा बन गया वो घोड़ा, तेज बोलो। करीबन 4 औरतों की ताकत आ गई बंदे में। हाँ, इन्होंने भेजा एक बंदे को, 4 औरतों की ताकत है उसमें, 4 मर्दों की ताकत, 4 औरतों भारी है वो, इतना खतरनाक हो चुका है वो, जल्लाद टाइप का हो गया है वो। 2 महीने की दवाई खाई लगभग उसे। बाकी अपना ख्याल रखो, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।